हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अवि लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, चावल से हम बहुत आसान तरीके से घर पर ही मुरमुरे बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यह मुरमुरे घर पर ही बनाए हैं और यह मैंने किस तरह बनाए हैं, टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यह मैंने बासमती चावल लिया है और आप किसी भी चावल का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये देखिए, यह बासमती, जिसे पक्के चावल भी बोलते हैं, बासमती चावल बोलते हैं। और यह आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि चावल आपका कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यह जो मैंने चावल लिया है, आप सिंपल चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पके हुए चावल या बासमती चावल लें तो ज़्यादा सही होगा। तो और ये देखिए, चावलों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम चावल को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें वाइट उसका पानी हो जाता है। तो मैं, क्योंकि यह हमारे परिवार के ही लोग खाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे ही शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं इन चावलों को बहुत ही हल्के हाथों से ही वॉश करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा इसे बहुत टाइम तक वॉश नहीं करना है, ये केवल 2-3 सेकंड तक हमें इन्हें वॉश करना है। और उसके बाद हमें इस पानी को निकाल देना है। और पानी को निकालने के बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक। और ये देखिए, मैंने इसमें नमक मिला दिया है। नमक को काफ़ी अच्छे ढंग से हमें मिला देना है, क्योंकि जो ये वाला नमक होता है, जो हम इस वक्त जो नमक डाल रहे हैं, यह जब हमारे मुरमुरे तैयार होंगे, यह नमक उसके अंदर टेस्ट के रूप में आता है, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी लगते हैं मुरमुरे। अब इसके अंदर पानी है, जो नमी है, इस नमी को निकालने के लिए मैं इसे किसी कपड़े के ऊपर डाल देती हूँ। और मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट, केवल 2 से 3 मिनट आपको धूप दिखानी है केवल, क्योंकि ज़्यादा देर यदि आपने इसे धूप में रखा तो यह चटक सकते हैं और इसके ऊपर भी आप कपड़ा डाल सकते हो ऊपर से। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने इसे अंदर ले लिया है और यह पंखे में भी सूख जाते हैं। तो ये देखिए, इनमें हल्की सी नमी है अभी, जो मैं इसे लगभग 5 से 7 मिनट और इसे पंखे में रहने दूंगी, जिससे कि यह सूख जाएंगे। और ये देखिए, बिल्कुल सूख चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में नमक ले लिया है और नमक को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे। नमक किसी भी तरह का आप यूज़ कर सकते हो, यह वही नमक है जो हम घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यह नमक, आप यह सोच रहे हो कि नमक वेस्ट हो जाता है, नमक वेस्ट नहीं होता। आप कई चीज़ें घर में बनाते हो, जैसे यदि आप मूंगफली भून रहे हो, चने भून रहे हो, मुरमुरे बना रहे हो, किसी भी तरीके कुछ भी बना रहे हो, तो यह नमक आपका उसमें यूज़ हो सकता है। आप केक बना रहे हो तो उसमें भी आपका यह हो सकता है यूज़। आप इस नमक को जब यह ठंडा हो जाए तो इसे आप रख सकते हो। तो और ये देखिए, मैं अब जो हमारे चावल हैं, थोड़े थोड़े करके, जब हमारा नमक बिल्कुल गर्म हो गया है, थोड़े थोड़े चावल करके मैं इसमें इस तरह रोस्ट करूँगी। और लगभग 1 मिनट में ही यह बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस तरह करते हुए हम सारे जो हमारे चावल हैं उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे चावलों को हम रोस्ट कर लेंगे। खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और इन्हें आप जब कम भूख हो उस टाइम भी नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। और इसकी मुरमुरे की तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें आप इन मुरमुरे का यूज़ कर सकते हो। आप इनकी गज्जक बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो आप इनकी, और यह भेलपुरी के रूप में भी खाए जाते हैं, जो सलाद में काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारे मुरमुरे ये भुन चुके हैं और अब मैं इन्हें छान लेती हूँ। और अब इसके बाद जो हमारा नमक है, उस नमक को दोबारा हम डालेंगे और हम दूसरे चावल, यानी कि थोड़े से चावल इसमें और डालेंगे। इस तरह करते हुए ही हम इन्हें भूनेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।
इस तरह करते हुए हम इन्हें मुरमुरे को छानकर निकालते रहेंगे और जो नमक है हमारा हम दोबारा इसे कढ़ाई में डालते रहेंगे। और ये देखिए इस तरह सारे मुरमुरे हमारे तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स जो ये नमक है इस नमक को उठाकर ठंडा करके हम इसे भरकर रख लेंगे। और ये देखिए सारे मुरमुरे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम किसी भी रेसिपी में या ऐसे भी इन्हें खा सकते हैं।